नमस्ते वालेकुम सत श्रीकाल और राम राम जी आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में फिजी एंड फोकस और मैं हूँ आप सबकी होस्ट एंड दोस्त शिप्रा शर्मा हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं ट्रेडिशनल टेरिटरीज ऑफ क्वांटलन सिल्वरटूथ एंड नेशन सो वी ऑल नो दैट जुलाई फर्स्ट इज़ अप्रोचिंग एंड इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड एल यू ऑल नो दैट जुलाई फर्स्ट इज सेलिब्रेटिड एज कनेडा डे एंड बहुत सारे जो हैं इवेंट्स होंगे इवेंट्स विल भी हेल्ड एवरी वेयर इन द सिटी सो गो आउट सेलिब्रेट कैनेडा डे विद योर फैमिली विद योर फ्रेंड्स बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ ग्रांड इवेंट और कैनेडा इज वन फिफ्टी थ्री ईयर्स यंग नाउ और आप सभी की फोन कॉल्स का फीडबैक का बहुत बहुत धन्यवाद हमें हमेशा इंतज़ार रहता है और हमें फीडबैक देने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चलते हैं प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्पॉन्सर्स की आई अंडरस्टैंड कॉल्ड होम एंड मनी ऑन रेंट Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre approved services provided to first time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604 306 6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre approved services provided to first time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vik Prasad now on 604-306-6647. Vik Prasad is associated with Craft Mortgages Canada, Incorporated. For astrology, service, life, horoscope, and fortune telling, marriage problem, love problem, divorce problem, money problem, personal or business, all types of puja and havan, call Pandit Lakshminath Guruji, 1604 849 4872 serving Alberta and B.C. Now, uh, पूरे हफ्ते भर की न्यूज़ लेके विक प्रसाद जी आते हैं तो इस बार फिर पूरे हफ्ते भर की फिजी न्यूज़ को लेकर आए हैं विक पर, विक प्रसाद जी विक प्रसाद जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार फिजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद राजधानी में छोटे-मोटे अपराधों से निपटने के लिए सब सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं जहां चोरी और चोरी के सभी मामले की जांच के लिए सेंट्रल डिवीजन में एक पुलिस आ, फोर्स की संगठन किया गया है वहीं एसोसिएशन भी व्यवसाय में सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए उपाय कर रहे हैं प्रेसिडेंट जितेश पटेल का कहना है कि जहां गंभीर अपराधों में वृद्धि नहीं हुई है वहीं हड़पने और भागने और दुकानदारी के मामले सामने आए हैं और इस मुद्दे को हल करने के लिए पुलिस के साथ काम कर रहे हैं एसोसिएशन के सचिव शैलेंद्र नारायण का कहना है कि पुलिस के साथ उनकी कई बैठकें हुई है और वे कम्युनिटी पुलिसिंग में अधिक शामिल है पिछले दो हफ्तों में तोतोंगो पुलिस ने लूट के नौ मामले का पता लगाया है कामयाबी हासिल करी है और सात लोगों को अदालत में पेश किया है रो तमुकेपा एक बार फिर से विचार कर रहे हैं कि वो चुनाव में सोशल डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी के ओर से चुनाव लड़ेंगे उन्होंने इस साल की शुरुआत में पुष्टि की थी कि उन्हें राजनीति से संन्यास लेना है हालांकि पेरामाउंट रेवा चीफ का कहना है कि पार्टी के महिला मंच के अनुरोध के बाद उन्हें प्रांत में प्रमुखों या प्रा, प्रांत के प्रमुखों ने उनसे संपर्क किया यह पहली बार नहीं है जब रोड तेमुखेपा तेमु ने चुनाव से पहले इस तरह का फैसला किया है उन्होंने 2018 का चुनाव नहीं लड़ने का भी फैसला किया था लेकिन वापसी के लिए राजी हो गई थी पूर्व में पार्टी के कुछ सदस्यों द्वारा उनके साथ किए गए व्यवहार से उनके समर्थक भी नाखुश थे दन डिवीजन में कई समुदाय में साफ या कई समुदाय में साफ़ पानी तक पहुंचने की चुनौतियों का सामना कर रहा है या करना पड़ रहा है क्योंकि उनके जल स्रोत सूख गए हैं नंदोंगो मधुवाता के पास के निवासी मधुवाता के एक समुदाय है वे मिनरल रिसोर्स डिपार्टमेंट के साथ बोहोल्स बनाने के लिए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए काम कर रहे हैं ताकि उन्हें बहुत जरूरी पानी की आपूर्ति की जा सके ख़ास करके ऐसे ड्राई सीजन के दौरान सलाहकार पार्षद जितेंद्र प्रसाद का कहना है कि वे 20 साल से अधिक समय हो गया है वे लगातार पानी की आपूर्ति की कमी में प्रभावित है प्रसाद कहते हैं कि पिछले बोहोल्स सूख चुके हैं और वे पानी की आपूर्ति के लिए नए स्रोतों की तलाश कर रहे हैं मिनिस्टर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर चोसे उसुमाते का कहना है कि सूखे के मौसम के दौरान बोहोल गांव वालों के पानी प्रदान करता रहेगा इन तीन बोहोल के 50 से अधिक परिवार को लाभ होगा मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी अयद कयूम का कहना है कि सरकार अपने कुछ शुभ ऑफिस को नशीनों में रेल लोकेट करने की योजना बना रहे हैं मंत्री ने फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी समबुला कैंपस परिवार में बजट परामर्श के दौरान इसका प्रकाश डाला है सैयद क्यूम का कहना है कि योजना का एक हिस्सा सुबह कॉरिडोर में व्यस्त समय के दौरान भारी यातायात के मुद्दे को कम करेगा मंत्री ने एफ एन एफ यू द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए ये कहा है कि जो व्यस्त समय के दौरान यातायात के बारे में चिंता व्यक्त किया था सैयद क्यूम का कहना है कि नशीन कॉरिडोर के किनारे कई सिविल सर्वेंट्स रहते हैं और उनका काम पास आ जाने के लिए आसान हो जाएगा मंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार यातायात की भीड़ को कम करने के लिए अधिक से अधिक डबल लेन की योजना बनाने जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ शरीर से कोविड वैक्सीन को हटाने का दावा करने वाले व्यक्तियों से निपटने के तरीके तलाश कर रहे हैं मिनिस्टर डॉक्टर इफ्रेमी फिर से जोर दे रहे हैं कि लोगों को सेल्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का सहारा लेने से बचना चाहिए जो वैक्सीन को हटाने में सक्षम होने का दावा कर रहे हैं यह मुद्दा इस साल की शुरुआत में तब सामने आया जब पुरुषों के एक समूह ने दावा किया कि वे शरीर से वैक्सीन निकाल सकते हैं और व्यक्तियों से पैसे ले रहे हैं डॉक्टर वंगनिम बेते का कहना है कि मामला एक बार फिर सामने आया लेकिन इस बार ये सिंगटोका में हुआ है डॉक्टर वांगिम बेते ने जोर देकर कहा कि इस प्रथा को बंद करना चाहिए उनका कहना है कि इस अनएथिकल प्रोसीजर्स के बारे में उन्हें अभी तक कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं मिली है सुबह में इस साल की शुरुआत में अपने साथी की कथित हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को रिमांड में लिया गया है अमित कुमार पर हत्या का एक आरोप लगाया गया है आरोप है कि कुमार ने 8 फरवरी को अपने साथी के पेट में घुसा मारा था जिसके बाद पीड़िता के बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई आरोपी के आरोपी को 9 मार्च को गिरफ्तार किया गया था राज्य ने हाईकोर्ट को बताया है कि वो कुमार के खिलाफ मामले में फेरिफो गवाह पेश करेगा ट्वेंटी वर्षीय कुमार की जमानत पर अगले शुक्रवार की सुनवाई होगी आप देख रहे फिज इन फोकस विक प्रसाद के संग अब कुछ स्थानीय समाचार एक कोल्ड वेट स्प्रिंग के बावजूद गर्मियों की ऑफिशियल स्टार्ट शुरू हो गई है और इस वर्ष अधिक गर्मी पड़ने की एक्सपेक्टेशन है लवा मेनलैंड में गर्मी के इस सप्ताह के अंत में प्रांत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सभी के लिए विशेष मौसम के बयान प्रेरित किया गया है मेट्रो वैंकुवा और फ्रेजर वैली रीजन्स में दिन के उच्च स्तर को कम से कम थर्टी दशक या थर्टी डिग्रीज तक टेम्परेचर पहुँचने की आशंका है हालांकि इन्वायरमेंट कनाडा का कहना है कि रात का तापमान 20 से 21 तक के मध्य में होगा टेम्परेचर अगले सप्ताह की शुरुआत रहने की हाई उम्मीद की जा रही है पर्यावरण कनाडा को उम्मीद है कि अगले सप्ताह के मध्य तक तापमान लगभग सामान्य मूल्यों पर फिर वापस आ जाएगी पुलिस के अनुसार कैम्बल रिवा में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और आर ने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को बुलाया है गुरुवार को माउंटीज ने एक व्यक्ति को उनके प्रोबेशन भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था उन्हें कैम्बल केम पी डिटेचमेंट में हिरासत में लिया गया है बाद में शाम को पुलिस का कहना है कि एक गार्ड ने उस व्यक्ति को अनरिस्पॉन्सिव और मेडिकल डिस्ट्रेस में लगभग ग्यारह बजे पाया था उसको अस्पताल ले गया जाया गया जहां उनकी मौत हो गई आप देख रहे हैं फिजिन फोकस विक प्रसाद के संग आप कुछ खेल खेलकूद कुछ की जगत की जानकारी डिजिटल के अंतर टेंथ के अंतर्गत अंतर्गत राउंड जो खेल ने गोल बनाया और उधर फिर सेवेंटी सिक्स मिनट में बा के एंटोनियो दंग ने गोल बनाते हुए खेल को इक्वलाइज कर दिया अंतिम परिणाम बा एक और रेवा भी एक पेसिफिक मिनी गेम्स के अंतर्गत फिजी ने नाइन गोल्ड सेवनटीन सिल्वा और 17 ब्रॉन्ज हासिल किया है फिजी सेवन टीम ने भी अपना खेल दिखाया और मैचेस के परिणाम कुछ इस प्रकार है मेंस फिजी टीम में ऑस्ट्रेलिया और फिजी के बीच में जो खेल हुआ उसमें ऑस्ट्रेलिया की जीत फिजी से 29-19 से हुआ फिजी की जीत टोंगा से 24-10 से हुआ और फिजी की हार न्यूजीलैंड से 19 5 से हुआ और फिर फिजी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक बार फिर जो खेल हुआ उसमें फिजी की जीत या माफ कीजिए ऑस्ट्रेलिया की जीत फिजी से 26 24 से हुआ अंतिम मैच में फिजी और टोंगा के बीच में जो खेल हुआ उसमें फिजी की जीत 47.27 से हुआ अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाजत धन्यवाद तो शुक्रिया विक प्रसाद जी हमारे साथ फिजी न्यूज़ शेयर करने के लिए और अगर आपके पास भी कोई भी लोकल न्यूज़ है आप हमारे साथ कोई भी न्यूज़ कोई भी इंफॉमेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप विक जी को कॉल कर सकते हैं उनका नंबर है सिक्स फोर थ्री ओ सिक्स डबल सिक्स फोर सेवन मैं नंबर फिर से रिपीट करती हूँ सिक्स फोर थ्री ओ सिक्स डबल सिक्स फोर सेवन अब हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं रेडियो फिजी की टीम आप सब जानते हैं कि रेडियो जो है हमें अपने साथ जोड़ के रखता है हमें बहुत सारी एंटरटेनमेंट करता है हमारी तो पूरी जो फिजी की टीम है रेडियो टीम वो हमारे साथ जुड़ी हुई है चलो उनके साथ हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और रेडियो फिजी मिर्ची को आप हमेशा सुनते हैं हमेशा प्यार देते हैं तो आइए मिलते हैं रेडियो फिजी मिर्ची की टीम को अब हमारे स्टूडियोज़ में आए हुए हैं रेडियो फिजी मिर्ची की टीम अगर आपने रेडियो फिजी मिर्ची की टीम को देखा नहीं है देखा तो ज़रूर होएगा लेकिन आज हमारे स्टूडियोज़ में फिजी इन फोकस में वो बैठे हुए हैं और इनसे हम बात करने जा रहे हैं कि जो रेडियो फिजी मिर्ची है एक अभी इन्होंने एक इवेंट किया था मदर्स डे पर और बहुत सुपर हिट वो इवेंट था ये हमेशा इवेंट करते हैं न्यू ईयर जीव पार्टी करते हैं और क्या क्या पार्टी करते हैं आप तो ज़रूर टिकट लेकर जाते हैं और आते हैं इंजॉय करते हैं लेकिन आज जो इन्होंने मदर्स डे पर एक प्रोग्राम किया था वो सुपर हिट प्रोग्राम हुआ जिससे भी आप बात करो उसी प्रोग्राम के बारे में बात करें सुपर मदर सुपर मम के बारे में बात करें तो इनसे पूछते हैं कि रेडियो फिची मिर्ची को कैसे ये आया कि हम जो हमारे मदर्स हैं एल्डरली मदर्स हैं शायद वो दुनिया में हमेशा के लिए हम तो कोई भी यहीं पे नहीं रहेंगे लाइफ इज़ अ जर्नी इट्सल्फ लेकिन इन्होंने जो किया है वो किसी ने आज तक नहीं किया ना तो मैंने किया ना तो किसी ने किया लेकिन इनसे बातचीत करती कि जो इवेंट का जो वो मकसद था एक क्या था तो जितू जी जितू राजो कौन नहीं जानता रेडियो में हमेशा उसको सुनते हैं आप देख लो <laughs> <laughs> और जो कृष्णी जी हैं आप जब शोक समाचार सुनते हैं उनकी वॉइस होवा इतनी तो ब्यूटीफुल है oh, thank और thank उसके साथ <laughs> <laughs> और उसके साथ में आपका शिवम जी शिवम की भी आप प्रोग्राम देखते हैं सुनते हैं और ये पार्ट ऑफ रेडियो फिजोमरिटी का टीम है यहाँ पर उनसे आप दो बात सुनेंगे करेंगे और चलिए जी अपने बारे में अपने बारे में तो आपने बता दिया कि रेडियो फिजी मिर्ची का टीम ही ऑर्गेनाइज किया था ये तो थोड़ा थोड़ा अपने बारे में भी बोल दो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कमीला जी फिजी इन फोकस देखने वालों सभी जितने भी दर्शक हैं उनका हम स्वागत करते हैं आपने काफी कुछ बता ही दिया है रेडियो पी मिर्ची के बारे में कनाडा का पहला फिजी वालों का अपना नंबर वन रेडियो स्टेशन है और ये एक टीम जो धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाती जा रही है और आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है जैसा कि आपने एक क्वेश्चन करा था कि ये जो सुपर मॉम का जो मदर्स डे इवेंट एकदम से सुपर मॉम में कैसे कन्वर्ट हो गया क्या हुआ जो रातों रात ये वायरल हो गया तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने हमसे पूछा हम यही बताना चाहते हैं हम लोग जस्ट जितनी भी मॉम है फर्स्ट ऑफ ऑल सभी मॉम इज अ सुपर मॉम एवरी मॉम इज अ सुपर मॉम राइट हमने वो नहीं सोचा था कि हम इसको कुछ और मोड़ पर ले जाएंगे कुछ डिफरेंट वे में करेंगे मदर्स डे इवेंट में हम मॉम्स को करना चाहते थे यूनिक वे में अप्रिशिएट उनको रिकग्निशन देना चाहते थे ये धीरे धीरे हमारे पास आइडियाज आते गए हमने सोचा क्या ऐसा करें जो सबसे अलग हट के हो. Mm -hmm. तो हमने उन्हें उस तरीके से पेश किया जैसा उन्होंने सोचा भी नहीं था काफ़ी आपने देखा इंटरव्यू में बता के भी गए कि उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो इस तरह से एक मॉडल की तरह रैम पे चलेंगी इवन दो इट्स नॉट अ ब्यूटी पेजेंट ये सुपर मॉम का जो हमने इसको नाम दिया था वो इसीलिए कि हम उन्हीं में से सब मॉम को अप्रीशिएट करना चाहते हैं ऐसा नहीं जो सिर्फ विनर हैं उनको हमने करा नहीं। जितनी भी कंटेस्टेंट्स थे उन सभी को हमने सभी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया और बहुत कुछ उन्हें मिला तो हमारा काम था सिर्फ देना उनसे कुछ लेना नहीं बाकी जो हमें मिला है वो सभी लोगों से प्यार मिला है जी और सभी लोग आए जी जी कृष्ण जी नमस्कार कमिला जी और नमस्कार जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं इस वक्त हमें देख रहे हैं Um, जी हाँ जैसे जीतू जी ने बोला है कि ये इवेंट ऐसा हुआ कि कुछ ऑब्वियसली हम ये पार्टी करना चाहते थे ठीक तो कुछ यहाँ से, कुछ वहाँ से से करते करते जैसे पज़ल होता है ना वो पजल यूं फिट हो गया और ये हमारा इवेंट जो है उसमें से निकला है नहीं, ऐसे नहीं, समझ लीजिए तो हमारा जो मेजर स्पॉन्सर थे नवराज फैशन उनका कुछ आइडिया था कि वो वो कुछ करना चाहते थे और हम मॉम्स को अप्रिशिएट करने के लिए हम कुछ करना चाहते थे और फिर पार्टी हो रही थी हां पार्टी तो, तो सब उसे... कुछ मिलाकर हमारा कुछ ऐसा सेटिंग हो गया कुछ ऐसा बन गया कि वो लोगों ने जो उसका लोगों की तरफ से जो लोग पार्टी में आए थे जो नहीं आए थे सभी की ओर से इतना ओवरवेमिंग रिस्पांस हमें मिला है तो हमें फ्यूचर में Just कुछ social. करने के लिए uh -huh. सोचना पड़ रहा है yeah. इस वक्त और हाँ थैंक यू सो मच हमारे जितने भी लोग हमारे साथ दिए थे उस पार्टी में आप uh -huh. सबको बहुत बहुत शुक्रिया एंड द द क्राउड वाज ऑसम शिवम जी आप भी कुछ बोल दो <laughs> नमस्कार रेडी फिजी मिर्ची सुनने वाले सभी लिसनर्स uh -huh. को प्यार भरा नमस्कार और फिजी इन फोकस के सभी व्यूवर्स को भी प्यार भरा नमस्कार और कमिला जी थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये एक सरप्राइज था हम लोग यहाँ अपने लिए तो आए नहीं थे हम लोग आए थे सुपर मॉम्स को लेके उनके इंटरव्यू के लिए आए थे आल तो सीट पे हमने बैठा दिया मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये जो मीडिया में होता है ना दे नेवर प्रिपेयर देवा पर भी आप बैठा दो तभी तो जब आपने कहा तो हम मना नहीं कर सके इनकार नहीं कर सके की नहीं कमिला जी ने कहा है आपका वैसे भी बहुत टाइम से एक था हम लोगों के साथ की कभी आइएगा yeah. तो इन सुपर मॉम्स के बहाने हमारा यहाँ आना हो गया yeah. तो थैंक यू डेफिनेटली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट mm -hmm. कि आपने हम लोगों को बुलाया mm -hmm. और इतना प्यार दिया

चाहे फिर वो रेडियो स्टेशन हो चाहे टेलीविजन हो टेलीविजन में कमिला जी को काफी लोग जानते हैं आप सपोर्ट कीजिए जितने भी लोग देख रहे हैं फ़िजी इनफोकस प्रोग्राम को स्पॉन्सर कीजिए रेडियो फिजी मिर्ची को <laughs> स्पॉन्सर कीजिए क्योंकि की बिना स्पॉन्सरशिप के कुछ नहीं चलता है yeah. और आप लोगों की सपोर्ट से जिस तरह से रेडियो फिजी मिर्ची अब थर्टींथ एनिवर्सरी मनाने जा रहा है कमिला जी yeah. तेरह साल का सफर तो हमने एक थीम रखी है तेरा मेरा साथ तो आपका हमारा सबका साथ रहेगा जुलाई yeah. फर्स्ट को होने जा रहे हैं हमारे थर्टीन ईयर सो इट्स अ बिग अचीवमेंट हमारे सभी जितने भी लिसनर्स हैं उनकी वजह से आज हम इस मकाम पर पहुंचे हैं वेरी ट्रू वेरी ट्रू तो ऑडियंस के तो हम भी के कुछ भी नहीं है बिल्कुल ठीक है तो हम चाहेंगे कि फिजी इन फोकस को और फिजी के जो भी प्रोग्राम्स हो उनको आप जरूर सपोर्ट करें और देश और दुनिया तक जरूर पहुंचाएं ताकि दुनिया को पता चले कि फिजी बेशक बहुत ही छोटा सा है लेकिन उसने अपना मकाम बहुत बड़ा बनाया है और जहाँ पर भी हैं फिजी वाले चाहे अमेरिका में है कनाडा में कोई भी जगह पर वो बहुत दूसरे मकाम पर पहुँच चुके हैं और जैसे जीतू जी ने कहा कि हमारा जो यहाँ पॉपुलेशन है बहुत कम है वेरी अबाउट फोटी फाइव थाउजेंड पीपल यहाँ पे फिजी वाले रह रहे हैं लेकिन फिजी वाले जो है वी आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ पीपल हम जहाँ पर भी जाते हैं हमारी जिससे भी मुलाकात होती है बहुत प्यार और सम्मान के साथ में होती है सो इट्स सो इट मेक्स इट लुक वेरी वी आर सो प्राउड टू भी कॉलिंग आव सर फिजियंस और चाहे छोटे मकान पर चाहे बड़े मकान पर अब बड़े तो हम नहीं पहुंच सकते लेकिन छोटा से तो हम शुरू करते हैं तो आपका exactly. भी तेरह साल का हो गया देखो जब आपने शुरू किया था थर्टीन ईयर्स इज गॉन बाई इज़ लॉन्ग लॉन्ग टर्म और मैंने भी फिजियन फोकस तो अभी जल्दी शुरू किया तो जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं जो आपका आई थिंक वी आंगली गोना ग्रो इफ यू हैव योर सपोर्ट दैट इज़ टू थिंग्स अगर बिजनेस हमें सपोर्ट करेंगे एंड सेकेंडली जो हमारा ऑडियंस है अगर वो नहीं देखेंगे तो हम यहाँ बैठ कर फिर क्या करेंगे सो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि ये भी इनका भी रेडियो है हम कंपीट करते नहीं है एक दूसरे से उनका रेडियो हमारा टेलीविजन आप सपोर्ट कीजिए हमें जिससे हम दूसरे मकान पर पहुंच सके और बड़े से बड़े फिर काम भी करे बच्चे के साथ में फैमिली के साथ में सभी के साथ में राइट बिल्कुल कमिला जी आपके उस बात पर मैं एक और बात जोड़ना चाहती हूँ हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं इस वक्त देख रहे हैं ये जो बिजनेसेस मतलब बिजनेस लोग भी हैं वो ये? भी देख रहे हैं हमें ऐसा नहीं है जैसे कमिला जी ने बोला है कि भाई हम आपका इंतजार कर रहे हैं आप एडवर्टाइज कीजिए हमें एडवर्टीजमेंट की जरूरत है हम आपके जरिए हमारे जो श्रोता है आप जब एडवर्टाइज करेंगे तब हमारा लाइक टीवी चलेगा या रेडियो चलेगा मैं बता दूं कि एडवर्टीजमेंट से ए, ये एक तरफा नहीं है no. हम चाहते हैं हम देखना चाहते हैं हमारा जो कम्युनिटी है वो ग्रो हो या yeah. ठीक True. अपना नाम बनाने के लिए आपको आपको आकर सामने आप जो पब्लिक है ना उनके सामने वो प्लेटफॉर्म पर आना आपको जरूरी है yeah. ताकि ज, जो बाकी जो लोग अभी आपको जानते नहीं है वो आपको जान जाए राइट वो आगे बढ़ेंगे नहीं uh -huh. हिम्मत आएगा नहीं आप सोचते हैं कि अरे हम अगर आगे बढ़ेंगे पता नहीं लोग क्या समझे लोग आपको सपोर्ट ही करेंगे ठीक uh -huh. uh -huh. वही है रास्ता है आपको बस उसे यूज़ करना है और right. आगे बढ़ना है राइट right. और so आपको yourself. अपने आप को आगे लेकर आना है यू नो you know, yes. अगर आपका बिजनेस है चाहे छोटा चाहे बड़ा अगर आप पीछे रहेंगे और अपने आप को आगे नहीं ले तो कैसे लोग आपका बिजनेस यूज करेंगे सो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चाहे छोटा है बड़ा है आप और साथ में और advertise. हम सभी सपोर्ट करने के लिए तैयारूटली विद दैट थैंक यू सो मच फॉर कैफे एक बात मैं वो ये कि प्रोग्राम हम लोग जाने से पहले एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि कोई भी इवेंट जिस टाइम हम अभी ये सुपर मॉम की वाली बात mm -hmm. कर रहे हैं कि जब कांसेप्ट किया था जो सोचा था और उसे फॉर्मुलेट करने से पहले ये नहीं सोचा था कि इतना शानदार और इतना बड़ा होगा लेकिन हर एक बात के पीछे एक टीम भी होती है yeah, yes. हमारी रेडी मिर्ची के जो डायरेक्टर हैं उसके अलावा जो हमारी एक छोटी सी टीम है लेकिन बहुत हार्ड वर्किंग टीम है उनमें कुछ एक लोगों के नाम जरूर लेना चाहेंगे जैसे कि हमारी एनी जी है ठीक है।, है और हमारी क्रिटिशानंदन है उसने जो मार्वलस जॉब करा उस लड़की ने मार्बल सो मच आउट ऑफ हर यू नो बॉक्स के जो बहुत टाइम लगाया इन सारी मॉम्स को पॉलिश करके जो उसने करा दद्दू है दद्दू ने भी काम करा शबाना जी हैं उन्होंने मतलब तो और बाकी बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं हमारे दो दो तीन होस्ट वो आ नहीं पाए नहीं। जैसे बेग प्रसाद है नसीब है वो नहीं आ पाए अब अदरवाइज बॉक्सर भी बॉक्सर तो लेकिन वही की टीम है लेकिन उसके बावजूद जिन्होंने भी करा बहुत अच्छा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया और जीतू और इनकी जो वाइफ जो कोमल वो तो सब हम लोग तो मेन रहे लेकिन यही है कि हाँ ये सक्सेस जो मिली इससे हमें नेक्स्ट ईयर करने के लिए जो अभी सोचा नहीं था जी जीतू ने बताया कि हम इसे आगे कंटिन्यू नहीं करने का सोच रहे थे लेकिन अब करना पड़ेगा क्योंकि सब सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। जी है। कि है। इसे एक तरह का एवरी डे का एवरी ईयर का एनुअल एक इवेंट बना लें और शिवम जी हम तो चाहेंगे नेक्स्ट टाइम कमिला जी को रैम पे चलाया जाए रहती है तो so, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत थैंक्स टू ऑल द रेडियो फिजी मिर्ची टीम एंड ऑर्गेनाइजिंग सुपर मॉम कॉन्टेस्ट ऑल्सो अब हमारे पास हर बार की तरह आपके लिए कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स भी हैं चलिए सुनते हैं सबसे बड़ी चीज़ जो पिक्स इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पिक सोसाइटी इज़ डूइंग जॉब फेयर जो होने जा रहा है जुलाई ट्वेंटी एथ फ्रॉम टेन एम अन्टिल थ्री थर्टी जब भी कोई न्यू इमिग्रेंट आता है या जब कई बार हम यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं वी सर्च फॉर जॉब्स तो पिक्स जो है वो मेगा जॉब फेयर करवाने जा रहा है जो कि होने जा रहा है नॉर्थ सरी स्पॉट्स एट आइस कॉम्प्लेक्स एट वन ओ नाइन फाइव जीरो वन ट्वेंटी सिक्स ए स्ट्रीट इन सरी एंड दिस इज देयर टेन ईयर ऑफ डूइंग जॉब फेयर पिक्स हर बार जो है वो जॉब फेयर करता है तो इस बार टेंथ जॉब फेयर होने जा रहा है इफ़ यू आर इन द मार्केट ऑफ लुकिंग फॉर जॉब तो आप कॉल कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए सिक्स ओ फोर फाइव नाइन सिक्स डबल सेवन डबल टू और आप जो वेबसाइट वेब है मेगा जॉब फेयर उस पर भी जा सकते हैं नेक्स्ट इज़ कैनेडा यू एस एक्स खालसा स्टूडेंटी यूनियन इज टेकिंग प्लेस ऑन अक्टूबर वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू एट बॉलीवुड बैंक हॉल इन सरी जो एड्रेस है दैट इज़ टू वन एट वन सिक्स सिक्स एट वन ट्वेंटी एट स्ट्रीट इन सरी और टिकट्स जो हैं इस इवेंट के लिए दे आर जस्ट फोर्टी डॉलर और जितनी भी मनी रेज होगी जितना भी फंड इकट्ठा होगा दैट विल गो टू खालस कॉलेज इन बी ए फिजी आईलैंड और एक बहुत और अच्छी न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दैट पिक सोसाइटी इज़ सेलिब्रेटिंग थर्टी फिफ्थ एनिवर्सरी ऑन सेप्टेम्बर सिक्सटीन एट सिक्स पी एम एट रिफ्लेक्शंस बैक्यूट हॉल एंड कन्वेंशन सेंटर इन सरी और जो भी फंड रेज होगा दैट इवेंट विल गो टूवर्ड्स गुरु नानक यूनिवर्सिटी विलेज सॉरी बाई चांस आई सेट समथिंग रॉन्ग सो जितना भी फंड जो है वो रेज होगा दैट विल गो टू गुरु नानक डाइवर्सिटी विलेज फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉल पिक्स एट सिक्स टू फोर फाइव नाइन सिक्स डबल सेवन डबल टू और अगर आपके साथ भी आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है कोई न्यूज़ है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं वो आप हमें सेंड कर सकते हैं फिजी इन फोकस ट्वेंटी ट्वेंटी वन एट जी मेल डॉट कॉम हर बार की तरह आप जानते हैं हमारे पास लिमिटेड समय होता है और अब हमारा समय हो रहा है आपसे विदाई लेने का यहाँ से जाने का सो so, फिर से मिलेंगे ज़रूर जाने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आई रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू आप समय निकालते हैं हमारे साथ जुड़े रहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप इतना प्यार देते हैं हमारे शो को और हम हम आशा करते हैं कि आप हमेशा हमारे शो का इंतज़ार करते रहेंगे और हमें इसी तरह प्यार देते रहेंगे और इस शो को आप फिर से देख सकते हैं संडे को 4 पीएम जो कि टाइम है एंड इन कैलगरी 5 पीएम चैनल 10 पर फिजियन फोकस एयर होता है ट्यूसडे को एट टेन पी इन बी और कैलगरी में इलेवन पी और इसको रिपीट ब्रॉडकास्ट भी होता है एंड फोर पी ऑन संडेज इन बी एंड कैलगरी एट फाइव पी और इस स्पॉन्सर को इस इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए प्लीज़ कॉल कमीला सिक्स ओ फोर फाइव थ्री सेवन फाइव वन टू थ्री अगर आपने प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना है तो आप कमीला को कॉल कर सकते हैं और अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखें समर इज़ ऑलरेडी हेयर बहुत सुंदर खूबसूरत सनी डेज जो हैं वो आ चुके हैं तो इन्जॉय करें फ़ैमिली के साथ बीच पे जाएँ हाँ हैव फन विद योर फैमिली तब तक के लिए नेक्स्ट वीक तक स्टे स्टेफ स्टे हेल्दी और फिर से मिलेंगे आप सब जानते हैं मैं हूँ आप सबकी होस्ट और दोस्त शिप्रा शर्मा a thank you for spending part of your day with us thank you